दोस्तों नमस्कार। ये जो कल्कि जी हैं, ये तो सब आप जानते हैं कि वो कृष्ण ही हैं। गीता में कृष्ण कहा मैं ही आया था, मैं ही आऊंगा। तो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण जो कहानी अधूरी छोड़ गए थे ना द्वापर में, उसको पूरा करने के लिए उन्हें कल्कि का रूप धारण करना ही था। कैसे? जैसे राधा के साथ उनका प्यार था मगर वो संपूर्ण नहीं हो पाया था, वो विवाह रूप में नहीं बदल पाया था। तो यहाँ वो रमा के रूप में जब आती हैं तो उनका उनसे विवाह होता है, जैसा हमारे कल्कि पुराण में है वैसा उसके अनुसार बता रहा हूँ। तो ये कृष्ण की कहानी ही पूरी हो रही है यहाँ पे आके कल्कि के रूप में। आप गौर कीजिए, देखो ना कि वहां पे रुक्मणी और राधा में अधूरापन है राधा के साथ, यहाँ पे वो पद्मा और रमा, यहाँ निष्कलंक, मतलब कोई किसी प्रकार का अधूरापन नहीं, पूर्णता, इसलिए निष्कलंक है। सब चीज कंप्लीट कर दी उन्होंने, मतलब जैसे कि किसी घटना का या किसी कहानी का पूरा अच्छे से एंड करना हो, सबका न्याय करते हुए उन्होंने अपने साथ भी यहाँ न्याय किया। वो भी तो अधूरे थे प्रेम में राधा के साथ, तो यहाँ वो पूर्णता होती है जब रमा से उनकी शादी दिखाई गई। फिर एक कंस वाला पार्ट भी अधूरा था। कंस को तो सजा मिल गई थी मगर कंस की सोच को सजा नहीं मिली थी। कंस की सोच वहां मामा से माँ बाप में आई। मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, ये आप इस बात को गौर करना कि गर्भ में पल रही बच्ची को सबसे पहले माँ बाप, उसके दोषी माँ बाप है उसे मारने के, उकसाएंगे घर वाले लड़की होगी, अरे लड़की क्यों चाहिए, लड़कियां हो रखी घर में ये, और ज्यादातर इसमें महिलाएं परिवार की। वहां वो कंस मामा होके अपने भांजे को मारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे मृत्यु का डर था कि ये तुझे तेरा भांजा बड़ा होकर मारेगा। यहाँ पे तो कोई डर ही नहीं है कि कोई माँ बाप को मार देगी लड़की पैदा होगी, वो तो पैदा होने के बाद मार रहा था कृष्ण को, ये तो पैदा होने से पहले सोच में पैदा भी नहीं हो रही, सोच में कि लड़की नहीं चाहिए। तभी तो इतनी बड़ी मुहिम चली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश में देश। इस पर कई साल पहले मैंने एक स्लोगन लिखा था, बहुत तब बहुत चला था वो, हो सकता है आपको ना सुनाई दिया हो तो सुन लीजिए। बेटी ही बचाएगी धरा पे धर्म लाएगी, बेटी ही बचाएगी धरा पे धर्म लाएगी, बेटी ही न होगी तो माँ कहाँ से आएगी। जब माँ ही नहीं आएगी तो कहाँ से अवतार पैदा होंगे, कहाँ से वीर पैदा होंगे, कहाँ से योद्धा पैदा होंगे, कहाँ से साइंटिस्ट पैदा होंगे, कहाँ से दुनिया भर में जो बिना जिन्हें अवतार नहीं कहते वो कहाँ से आएंगे देश चलाने वाले। तो ये तो एक सदियों से जो ये जो अजीब प्रकार का अधर्म था इसका तो होना ही था। तो ये कृष्ण की कहानी ही पूरी हो रही है कल्कि के रूप में, तभी कहा से कृष्ण कहा से कल्कि, उनका प्यार पूरा हो रहा है जो अधूरा था राधा के साथ, यहाँ रमा बन के पूरा हो रहा है। एक वो कंस वाली सोच जो उनकी सोच नहीं मर पाई थी, हम मामा से माँ बाप में आ गए, ये हटेगी खत्म होगी कैसे, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप सोच के बताइए दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।